शिवनी जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बखारी में सोमवार के दिन सुबह से कोविड 19 के टीके लगाए गए, जिसमें क्षेत्र के सीनियर सिटीजनों में उत्साह देखा गया और बड़ी संख्या में अस्पताल पहुंचकर अपना रजिस्ट्रेशन कराकर टीका लगाया गया। अस्पताल में उपस्थित डॉक्टर और उनकी टीम ने लोगों का वैक्सीनेशन किया। क्षेत्र के लोगों को टीका लगाया गया, जिसमें भाजपा मंडल बीजा देवरी, अध्यक्ष राजीव उइके, प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला उपाध्यक्ष शोएब अंसारी, प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला उपाध्यक्ष महफूज अंसारी तथा ग्राम पंचायत बखारी के समन्वय अधिकारी सुमेर सिंह उइके, सचिव हेमंत साहू, लेखपाल मनोज साहू एवं ग्राम पंचायत के समस्त कर्मचारी के द्वारा घर घर जाकर 60 साल से ऊपर के व्यक्तियों को लाकर वैक्सीन लगवाया। सिवनी से महफूज अंसारी की रिपोर्ट। हाँ, कोविड 19 की वैक्सीन ऐसे लोगों को लगाई जा रही है जो 60 वर्ष की उम्र प्राप्त कर चुके हैं और इससे ज़्यादा के हैं। तो ऐसे अपने जितने लोग हैं इस स्वास्थ्य केंद्र से लगे हुए, उनको पंचायत के माध्यम से और पूरे अमले, चौकीदार है, पटवारी हैं, सचिव हैं, रोजगार सहायक हैं, आशा, आंगनबाड़ी, सारे लोगों को इसमें इन्वॉल्व करके तौर पर इस उम्र के लोग जितने भी हैं उनको सबको कोविड वैक्सीन लगाई जा रही है और ये निःशुल्क लग रही है। नहीं, साइड इफेक्ट्स तो नहीं है, मुझे भी लगा है कल से मैं हर जगह दौड़ रहा हूँ। नहीं देखो भाई, मुझे लगा है, मुझे पहले भी लग गया 28 दिन पहले, तब से मैं जिस दिन से लगा उस दिन से पूरे क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। कल मुझे टीका लगा है, शनिवार को मुझे टीका लगा है, शनिवार से आज भी लगातार दौड़ रहा हूँ, मुझे तो कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। अगर किसी को होता है तो स्वास्थ्य केंद्र में इसीलिए ये सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं कि उनका वहाँ पे प्रॉपर डायग्नोस हो सके, और ऐसे अभी कोई केस अपने यहाँ नहीं है जिसमें किसी तरह की परेशानी है और ना ऐसा होता है, ये लोगों का भ्रम है। आप लोग इसमें सब लोगों को अपने मीडिया के माध्यम से अवगत कराएँ कि भाई ऐसा कुछ नहीं होता है। हम लोग इसीलिए घूम रहे हैं, दोपहरी में घूम रहे हैं कि देखो हमको लगा है टीका, हमको तो कुछ नहीं हुआ ना, और हम भी 60 वर्ष से ऊपर के हैं। तो ये सब अपन को बताना है या कोई बताना है, पूरी सोसाइटी का काम है, समाज के लोग समझाएं कि ये टीका लग रहे हैं, किसी को कोई इसका बुरा प्रभाव नहीं पड़ रहा है, सब लोग लगाएं। देखो ये बीमारी ऐसी है कि यार कितनी खतरनाक है, तो ये ना हो, इसलिए सरकार ने है जो 60 वर्ष से इससे अधिक उम्र के होते हैं उन लोगों में प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है ना, इसलिए उनको इस कोविड वैक्सीन का टीका लगाया जा रहा ताकि उन्हें ये बीमारी आए ही ना। मैं तो सबसे यही अपील करना चाहूंगा कि भैया इसके कोई। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।